स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल T20 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई पे, और ये मैच शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 2 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई की, आपको इस तरह से दिखेगी। इस पिच की खासियत क्या है, इस पिच के ऊपर ना दोस्तों ग्रास मौजूद रहती है, चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे नई गेंद से ना स्टार्टिंग के 1-2 ओवर के अंदर हल्का सा दोस्तों स्विंग देखने को मिलता है, उसके बाद यह पिच होती है ना दोस्तों ये बैटर फ्रेंडली पिच है, रन बनते हैं और हाई स्कोरिंग दोस्तों वेन्यू, चीज आपको ध्यान देनी है। इसी वेन्यू के ऊपर आपको पता होगा जॉस बटलर ने दोस्तों शतक जड़ा था, हेटमायर भी वहाँ पे कुछ है 35 रन बना के गए थे कुछ 12-13 गेंदों के अंदर। दिखाता है ये पिच दोस्तों बहुत बढ़िया बैटर्स के लिए। तिलक वर्मा थे यहाँ पे, ईशान किशन थे, वो लोगों ने भी अच्छा खेला था। तो अपन इससे समझ सकते हैं जो डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच है ना, ये पिच दोस्तों बैटर्स के लिए अच्छी खासी यहाँ पे मददगार है। तो आप पिच यहाँ पे देख सकते हो, जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था MI वर्सेस RR के बीच में, 2 अप्रैल की बात है, तब के दोस्तों पिच की फोटो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास फोटोज है, ऐसी दोस्तों पिच दिखती है हल्के हल्के दोस्तों ग्रीन कलर की, यहाँ पे लेयर है पिच के ऊपर, हल्की सी ग्रास है, ज़्यादा ग्रास मौजूद नहीं है हल्की सी। तो आप देखो दोस्तों पिच इस तरह से दिखेगी। बाउंड्री डायमेंशंस की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, अगर सेंट्रल पिच से मैच होता है ना तो क्या होता है, सामने की बाउंड्री 82 मीटर होती है आमतौर पर, इतनी रहती है जो स्क्वायर बाउंड्री ना वो 72 मीटर होती है और 75 मीटर हो जाती हैं, ठीक है, चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर बाई चांस है ये साइड ऑन पिचेस पे मैचेस हुए ना एकदम बगल की राइट या तो एकदम लेफ्ट साइड वाली पिच पे, तो क्या होता है एक बाउंड्री हो जाती है कुछ 75 मीटर की और एक बाउंड्री हो जाती है कुछ 63 मीटर की। तो इस चीज़ आपको ध्यान देनी थी, अगर एकदम साइड वाली पिचेस पे मैचेस हो रहा है ना एकदम लेफ्ट राइट वाली पिचेस के ऊपर, तो आप यहाँ पे बाउंड्री डायमेंशन को भी देख सकते हो। ये स्टेडियम दोस्तों ऐसा दिखता है दोपहर के टाइम पे, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई, ठीक है, रात के टाइम ऐसा दिखता है ये। चलते हैं स्टैट्स की तरफ, तो आपको ध्यान देना है सोने के ऊपर, ना तो सनराइजर्स हैदराबाद ने आज तक कभी खेला है, ना दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहाँ पर आज तक कभी खेला है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दोनों टीम्स पहली बार सोनी के ऊपर खेलेगी डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऊपर। इस साल IPL 2022 के अंदर ये सोनी के ऊपर 3 मैच खेले जा चुके हैं, 2 तो यहाँ पर RCB ने खेला था, एक बार तो पंजाब के खिलाफ खेला और दूसरा आई थिंक KKR के खिलाफ खेला था, और तीसरा मैच यहाँ पे हुआ था RR वर्सेस MI का। तो 3 मैचेस में जो टीम बैट फर्स्ट करी हुई 1 मैच जीती, तो आपको पता है वो RR वर्सेस MI में हुआ था, उससे पहले जो टीम चेस करी थी तो 2 मैच जीती थी आउट ऑफ लास्ट 3 गेम्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो टीम टॉस जीतेगी चेस करना पसंद करेगी। ड्यू भी दोस्तों पे थोड़ी थोड़ी आती है, ड्यू फैक्टर रह रहा है, ओस गिरती है यहाँ पर। औसतन स्कोर 150-180, लास्ट 3 मैच में क्या हुआ है, पेसर्स ने 27 विकेट निकाले पहली पारी के अंदर 14, दूसरी पारी के अंदर 13 हैं। राइट आर्म पेसर 22 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर 5 विकेट है। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने यहाँ पर लास्ट 3 मैच के अंदर 11 विकेट निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 5 है, दूसरी पारी के अंदर 6 हैं। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स यहाँ पर विकेट निकालते हैं, लेग स्पिनर्स के यहाँ पर 8 विकेट हैं, ऑफ स्पिनर्स का 3 विकेट हैं, और यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का 1 भी विकेट नहीं है इस साल के IPL 2022 के अंदर, ठीक है। जो लास्ट मैच हुआ था 2 अप्रैल को, 1-2 दिन पहले की बात है, RR वर्सेस MI का मैच था, जिसके अंदर 11 विकेट पेसर ने निकाला था, 3 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 2 युजवेंद्र चहल के थे और दोस्तों 1 था अपना रवि अश्विन का, ये भी आपको मैंने लिख के दे दिया, ठीक है। सनी वेदर वीडियो को लेकर के स्टार्ट करना है, और ये है भाई साहब टाटा IPL 2022, जिसको सब दोस्तों दिल से शिद्दत से पसंद करते हैं, वेट करते हैं टूर्नामेंट के लिए। बात करेंगे यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की, काइल एमर्ट जस्टन होल्डर इस मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए। दोनों टीम्स ने आज तक कोई मैच नहीं खेला, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू टीम है, पहली बार इस साल डेब्यू कर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं लाइनअप्स के अंदर, अभिषेक शर्मा ओपन कर सकते हैं, चर्चा ये भी हो रही है कि वाशिंगटन सुंदर से ओपन कराया जा सकता है इंस्टेड ऑफ अभिषेक शर्मा, क्या पता टीम अभिषेक शर्मा को एक और चांस दे दे, क्योंकि वो लास्ट मैच में फेल हुए थे। देखते हैं अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, एडन माकरम, निकोलस पूरन, सुंदर, अब्दुल समाद आपको देखेंगे, रोमोजो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, गति है टी नटराजन, यॉर्कर स्पेशलिस्ट। चलेंगे नीचे की तरफ, जो टीम है
लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल ओपन कर रहे हैं, क्विंटन डीकॉक के साथ इवान लुइस लास्ट मैच के हीरो रहे थे, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, ऋषभ धोनी, ये भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यंगस्टर है, कुणाल पांड्या, जसन होल्डर, एंड्रू टाय, रवि बिश्नोई, आविश खान, तो इनके चार ओवरसीज प्लेयर हो जाएंगे, तो एंड्रू टाय को टीम बाहर करके खिला सकती है दुश्मन तो शमीरा को भी। देखते हैं क्या होता है ये प्रैक्टिस मैच के स्टैट्स से। जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद उसने क्या करा था, त्रिपाठी ने करी थी 36 रन, पुरन ने 45 करा, फिर यहाँ पे प्रियम गोयल का 29 था, रमेश शेफर्ड का एक विकेट था, भुवी का दो विकेट था, उमरान मलिक का दो विकेट था, ठीक है ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे इसकी हेड टू हेड मैचेस की, जब दोनों टीमें आमना सामना करती है ना हेड टू हेड के अंदर तो क्या हुआ है आपको पता है, लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू टीम है तो सनराइजर्स हैदराबाद पहली बार खेलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो मैंने क्या करा उनका फॉर्म लिखा हुआ है, अभिषेक शर्मा का 2021 के अंदर 20 मैच में 27 की औसत थी, 434 रन था, 9 विकेट था, केन विलियमसन T20 करियर में बैट फर्स्ट में 30 की औसत है, बैट सेकंड में 36 की औसत है, 2021 के अंदर फॉर्म देखो इनका 24 मैच 42 की औसत है, 2021 के अंदर लास्ट ईयर T20 के अंदर 677 रन था 24 मैच में, त्रिपाठी का 21 मैच में 484 रन, एडिन माकरम का यहाँ पर 29 मैच के अंदर 750 रन था, पूरन का बैट फर्स्ट 23 चेस के ऊपर 31 की औसत है, इस साल अलग ही लेवल के फॉर्म में, इंडिया वाली सीरीज के अंदर तो बैक टू बैक 2-3 50s मारी थी इन्होंने। देखो इस साल 2022 के अंदर पूरन का 8 मैच के अंदर 348 रन है, 50 की औसत है, अब्दुल समाद का आप यहाँ पे देख सकते हो, वाशिंगटन सुंदर का 11 मैच में 7 विकेट था लास्ट ईयर, रमेश शेफर्ड का इस साल 8 मैच में 8 विकेट है, भुवी का इस साल 4 मैच में 5, उमरान मलिक का यहाँ पे लास्ट ईयर 8 मैच में 11 विकेट था, नटराजन का लास्ट मैच में 8 मैच में 9 विकेट था। बात करेंगे यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग ओवर, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, वाशिंगटन सुंदर, उमरेश शेफर्ड, डेथ ओवर के अंदर भुवी, नटराजन, उमरेश शेफर्ड, उमरान मलिक, कभी कभी आते हैं डेथ ओवर में लेकिन कम ही डालते हैं। बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की, जब केएल राहुल खेलते हैं अगेंस्ट है सनराइजर्स हैदराबाद तो क्या करा है आपको पता है, सनराइजर्स हैदराबाद तो पुरानी टीम है ठीक है, तो केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड मैचेस के अंदर कितने मैच खेले हैं, 10 मैच खेले हैं, 36 की औसत, अपने को मतलब है हेड टू हेड मैच से, तो केएल राहुल ने हैदराबाद के खिलाफ 10 मैच खेले हैं, 36 की औसत है, 325 रन है, बैट फर्स्ट 17 की औसत है, 4 मैच में 70 रन है, बैट सेकंड के अंदर 6 मैच में 255 रन, 51 की औसत है, लास्ट ईयर का फॉर्म लिखा हुआ मैंने सब पे साफ साफ, 24 मैच 46 की औसत, 915 रन। डीकॉक आएंगे यहाँ पे, इनका 10 मैच के अंदर 371 रन है, 41 की औसत है अगेंस्ट SRH, बैट फर्स्ट 45 की औसत है, 6 मैच में 227 रन है, वहीं दोस्तों यहाँ पर बैट सेकंड के अंदर इनका यहाँ पर 4 मैच में 144 रन है, 36 की औसत है, बैट सेकंड के अंदर क्विंटन डीकॉक का अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, इवान लुइस 5 मैच 63 रन, 13 की औसत है, बैट फर्स्ट 22-29-1-6 चेस के ऊपर 5 है यहाँ पर। मनीष पांडे आएंगे यहाँ पे, इनका हेड टू स्टैट्स देखो आप अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, ये दोस्तों आपको बताइए सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर ही रहे, लास्ट 2-3 साल उन्हीं के लिए खेल रहे थे ये, 11 मैच 38 की औसत है, 305 रन है, बैट फर्स्ट के अंदर 42 की औसत है, 3 मैच में 127 रन है, वहीं बैट सेकंड के अंदर मनीष पांडे 8 मैच में 36 की औसत है, 178 रन है। आएंगे दीपक निवास हुड्डा, मतलब दीपक हुड्डा यार, तो क्या देखो यहाँ पे 5 मैच 8 की औसत है, 33 रन है, बैट फर्स्ट 13-13-0 चेस के ऊपर 7 है, आयुष बदोनी एक टैलेंटेड बंदा है, दमखम रखता है। फिर आएंगे यहाँ पर कुणाल पांड्या, 10 मैच में 189 रन है, 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 0, बॉल सेकंड 4 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेटलेस भी गया है कुणाल पांड्या अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। जसन होल्डर भी एक्स प्लेयर रह चुके हैं इस टीम के, जो सामने टीम है नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, इनके लिए बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। अब देखो 5 मैच में 4 विकेट है उनके खिलाफ, बॉल फर्स्ट 2 में 2, बॉल सेकंड 3 मैच में 2 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेटलेस गए। इनका फॉर्म देख लो इस साल ना 7 मैच में इनका 16 विकेट था, तो अच्छा खासा फॉर्म था इनका इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर। एंड्रू टाय की बात कर लेते हैं, 2 मैच में 2 विकेट है हेड टू हेड के अंदर, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉल सेकंड 1 मैच में 2 विकेट है, तो अच्छे गेंदबाज है टाय, मेरे हिसाब से टीम प्रिफरेंस दे सकती है दुष्यंत चमेरा के बदले। रवि बिश्नोई 3 मैच 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 3, बॉल सेकंड 2 मैच में 4 विकेट है, एक भी बार विकेटलेस नहीं गए हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, क्वालिटी स्पिनर हैं, इनको पिक करना इजी नहीं होता है। आवेश खान का 3 मैच में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉल सेकंड 2 मैच में 3 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस गए हैं, तो आप समझ रहे हो 3 मैच खेल के इसने जो 1 विकेट निकाला सीधा 1 मैच में निकाला और 2 मैच के अंदर विकेटलेस गया है, चमेरा हेडवर्ड नहीं खेला है। स्टार्टिंग ओवर आवेश, दुश्मन था चमेरा, तो एंड्रू टाय, जस्टिन होल्डर, ये तीनों में से कोई दो प्लेयर खेलेंगे, चमेरा
एंड्रू टाय, जसन होल्डर है, तीन में से कोई दो प्लेयर खेलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन आता है यहाँ पे। डेथ रो के अंदर भी सेम कॉम्बो रहेगा, आवेश खान, एनी टू फ्रॉम छमीरा, एंड्रू टाय, जसन होल्डर। वैन स्टैट्स की बात करते हैं, जब इस स्वैनी के ऊपर मैच हुए तो क्या हुआ है, इस स्वैनी पे बहुत ही कम प्लेयर्स ने खेला है डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऊपर। भुवनेश्वर कुमार ने दो मैच खेले हैं, एक विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए दो मैच में एक विकेट है और एक मैच के अंदर विकेट लस गए हैं। चलेंगे यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। मनीष पांडे यहाँ पे मात्र खेले हैं पांच मैच, 113 रन, 23 के औसत है, बैट फर्स्ट 23, 16, 10, जिसके ऊपर 59.5 है। चलेंगे अपन यहाँ पे मैचेस की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, केन विलियमसन वर्सेस कृणाल पांड्या, 20 गेंद 13 रन, दो ओवर आउट करा, बहुत बड़ा मैच है भाई ये। एंड्रू टाय ने 9 गेंद में 6 रन देके दो बार आउट करा है, जसन होल्डर ने 52 गेंद के अंदर 46 रन देके तीन बार आउट करा है और दो बार तो दूसरी बारी में आउट करा है। तो अच्छा मैचअप है, कृणाल पांड्या, एंड्रू टाय, जसन होल्डर वर्सेस केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी वर्सेस कृणाल पांड्या, 16 गेंद 17 रन, दो बार आउट करा, दोनों बार पहली पारी में आउट करा है। एंड्रू टाय ने भी 5 गेंद में 3 रन देके दो बार आउट करा और दोनों बार पहली पारी में। मार्कस स्टोनिस ने दो बार आउट करा, 13 गेंद में 36 रन देके। बिश्नोई ने 12 गेंद में 11 रन देके एक बार आउट करा। आवेश खान ने 5 गेंद में 7 रन देके एक बार आउट करा है। एडिन माक्रम येट टू फेस है, लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, 16 पारियों में 5 बार आउट हुए लेग स्पिन के सामने, 103 गेंद के अंदर 132 रन है लेग स्पिनर के सामने। पूरण वर्सेस है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, बहुत बड़ा मैचअप रहता है ये, आप ध्यान रखना, जब भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आता है ना निकोलस पूरण के सामने तो उनको दिक्कत होती है। सामने एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जिसका नाम है कृणाल पांड्या। आएंगे अब्दुल समाद वर्सेस रवि बिश्नोई, 13 गेंद 16 रन, दो बार आउट करा है। वॉशिंगटन सुंदर वर्सेस कृणाल पांड्या, 5 गेंद 2 रन, दो बार आउट करा है दोनों बार दूसरी बारी में। तो मैचअप के अंदर आपको कृणाल पांड्या का रिपीटेडली नाम देखेगा। केएल राहुल वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर, 18 गेंद 17 रन, एक बार आउट करा है। भुवे ने 63 गेंद के अंदर 73 रन देकर एक बार आउट करा है। क्विंटन डीकॉक वर्सेज है भुवे, 224 गेंद 238 रन, एक ही बार आउट करा है। तो ये भुवे के सामने दोस्तों अटकते नहीं है, लगभग इनको 40 ओवर फेस कर लिया है भुवनेश्वर कुमार को, क्विंटन डीकॉक ने एक ही बार आउट करा है। श्रेयस गोपाल 28 गेंद 18 रन, एक बार आउट करा है। त्यागी ने 2 गेंद में 1 रन देकर एक बार आउट करा है। इवान लुइस की बात करते हैं यहाँ पे, इनका मैचअप बनता है वॉशिंगटन सुंदर के सामने, 31 गेंद 46 रन, दो बार आउट करा है। बुवे ने यहाँ पे इवान लुइस को 97 गेंद के अंदर 107 रन देके तीन बार आउट करा, दो बार दूसरी बारी में। मनीष पांडे वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, बहुत बड़ा मैचअप है ये, 19 गेंद 20 रन, 4 दफा आउट करा, दो बार पहली बारी में, दो बार दूसरी बारी में। सुंदर भी 30 गेंद में 32 रन देके एक बार आउट करा, श्रेयस गोपाल ने दो बार आउट करा 32 गेंद में 48 रन देके। दीपक हुड्डा वर्सेस कार्तिक त्यागी, एक बॉल 0 रन। भुवे वर्सेज कृणाल पांड्या, 16 गेंद 20 रन, एक बार आउट करा, एस्टोनिस का आप देख सकते हो। कॉमन कैप्टन क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल, बड़ी लिस्ट में आप बनाओ केएल राहुल, मतलब लोकेश राहुल, केन विलियमसन, क्विंटन डीकॉक, पूरन, पूरन अच्छे फॉर्म में, दैट्स द रीज़न। अलग जाना है तो रमेश शेफर्ड, त्रिपाठी, इवान लुइस को भी आप ट्राई कर सकते हो रोटेशन के अंदर। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, क्या रहेगी यहाँ पे टीम्स। तो यहाँ पे कैप्टन है केएल राहुल, वाइस कैप्टन क्विंटन डीकॉक है, यहाँ पे निकोलस पूरन, कीपिंग दोस्तों यहाँ पे क्विंटन डीकॉक ही करें इनकी टीम के लिए, तो इनको कीपिंग से थोड़े पॉइंट मिल जाते हैं। केएल राहुल दोस्तों फील्डिंग करते हैं, बॉलर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कैप्टन है, दैट इज द रीज़न। केन विलियमसन, इवान लुइस, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, मरियो शेफर्ड, एंड्रू टाय, आवेश खान, रवि बिश्नोई। अब देखो बड़ी लीग में क्या करना है, आपने दोस्तों रिस्क लेने से नहीं डरना सबसे पहली बात, ठीक है, घबराना नहीं है। लाइफ का दोस्तों वसूल होता है कि जब आप बैकफुट पे जाओगे ना बहुत ज़्यादा, तो लाइफ आपको और ज़्यादा बैकफुट पे पुश करेगी। फ्रंट फुट पे आए, एग्रेसिव बने, लाइफ में दोस्तों रिस्क लेना सीखे, सेफ खेल के कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे हैं, इवन आप स्मॉल लीग के अंदर वही कॉमन टीम बना रहे हो परसेंटेज वाली, तो फिर यार क्या मतलब हुआ खेलने का, वो तो कोई बच्चा भी खेल लेगा यार, उसको आप फोन पकड़ा दो, परसेंटेज लगा के टीम बना के वो खेल लेगा। बी फियरलेस, श्योर टैलेंट दोस्तों ये लाइफ होती है। केएल राहुल की बात करेंगे, टॉप क्लास प्लेयर है, अच्छे स्टैट्स हैं इनके। क्विंटन डीकॉक के दोस्तों बेहतर नंबर्स हैं एज कम्पेयर टू केएल राहुल इन हेड टू हेड स्टैट्स। पूरन, ये भाई साहब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ये फॉर्म अच्छा है, थोड़ा सा इनको बॉल भी ज़्यादा मिल रही है, अभी इस टाइम पे 2 डाउन खेल रहे हैं। एडन माक्रम को 3 डाउन भेज रही है टीम। इवान लुइस दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, केन विलियमसन दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दीपक हुड्डा आपके ऊपर निर्भर करेगा, एक दो पक्का डालते हैं, ये ऑफ स्पिनर है और सामने आपको पता है लेफ्टी कौन कौन है। लेफ्टी मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा है और फिर बाद में ज़्यादा लेफ्टीज नीचे नहीं है, एक तो सुंदर आते हैं। फिर त्रिपाठी ग्रैंड लीग पिक फिर से बनेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, अच्छी नॉक खेल सकते हैं। मनीष पांडे अपनी एक्स टीम के खिलाफ खेलेंगे, पुरानी टीम के खिलाफ, तो आप इनको रोटेट कर सकते हो। अगर इवान लुइस फ्लॉप होते हैं तो अच्छा खेल सकते हैं।
माकरम नीचे खेल रहे हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। मैं जाऊंगा स्टेफर्ड के साथ, डेथर में आते हैं, हिटिंग करते हैं। सुंदर का भी सेम हाल है। कुणाल पांडे के दोस्तों बहुत अच्छे फिगर्स हैं, स्पेशली आपने अगर देखा होगा मैचअप्स के अंदर इनका नाम बार बार रिपीटेडली आ रहा था। जसन होल्डर खेलेंगे तो आप ट्राई करना, स्किलफुल प्लेयर है। आवेश खान इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट, ड्यूटा इंपॉर्टेंट, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उमरान मलिक थोड़े रिस्की हो जाएंगे, गति के लिए जाने जाते हैं और अच्छा कर सकते हैं ये भी। पर आपने देखा होगा पिछले मैच के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी गति थी लेकिन विकेट्स नहीं मिले थे ज़्यादा। नटराजन बॉल फर्स्ट में डेथर के अंदर आएंगे। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार्ट शुरू दिन, मिलते अगली दफ़ा, टेक केयर, सी सून, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।